हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु एंड आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हो, सीबीएसई ने आपका 2024-25 सेशन के लिए सिलेबस रिलीज कर दिया। अगर आप 9th, 10th, 11th या 12th क्लास में हो तो आपके लिए आपकी क्लास का जो अब इस सेशन का जो नया सिलेबस होगा, रिड्यूस सिलेबस जो है, कौन से टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक नहीं है, वो सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। अब इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपका क्या सिलेबस है, कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक कटे हैं। तो क्लास 10th के लिए हम ये देख रहे हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, अब आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज अब देखो आपका नया सेशन शुरू हो गया है एंड अब पूरा दिन लगा देना अपने सिलेबस को सॉर्ट आउट करने के लिए। एक बार सिलेबस कंफर्म कर लो, फिर आपको आगे पढ़ने में बहुत ईजी होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, शुरू करते हैं। तो ये सिलेबस आप एक्सेस कर सकते हो वेबसाइट से। ओके, हम सब बिल्कुल। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको जो सिलेबस है वो देखने की, क्या क्या टॉपिक्स आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से, cbse.gov.in। उस पर जाना है, उसके बाद जो एकेडमिक सेक्शन है उस पर क्लिक करके करिकुलम पे जाना है। करिकुलम में आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है और सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, और आपको आपका जो सिलेबस है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, वो आपको दिख जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको जो लेटेस्ट एनसीईआरटी की बुक की पीडीएफ है वो एक्सेस करनी है, तो आप ncert.nic.in पे जाके अपनी क्लास, अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करके पीडीएफ को भी आप कर सकते हो एक्सेस, अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है बाय एनी चांस। तो अभी जल्दी से सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैथ्स को देखते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पर मैथ्स का आपका सिलेबस है क्लास 10 के लिए। ये आपकी अलग अलग यूनिट है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ये उनके मार्क्स यहाँ पर गिवन है कि कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे इन यूनिट्स में से। अब नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर रियल नंबर है, तो इसमें कौन से टॉपिक हैं आपके चैप्टर में जो पढ़ने हैं वो यहाँ पे लिखे हुए, फंडामेंटल थ्योरम, अरिथमेटिक, ठीक है, प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी, ये आपके चैप्टर में आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो सेम ही है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए इस साल, तो आपको कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है कि बिल्कुल कि अब पता नहीं अलग ही सिलेबस निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, सिमिलर ही है बिल्कुल। इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो आपकी ऑलरेडी सिलेबस से हट रखी है, ठीक है। पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में जीरोज वाला टॉपिक है एंड जो रिलेशनशिप है जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में। वैसे ही थर्ड सेकंड चैप्टर में जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आपको ग्राफिकल मेथड एंड जो है अलजेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन निकालना वो आना चाहिए। अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन है, इससे रिलेटेड सिचुएशनल प्रॉब्लम्स भी आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, देन सॉल्यूशंस निकालना आना चाहिए, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इन दो मेथड से, ठीक है। प्रॉब्लम्स दोनों ही चैप्टर में से आने वाली है, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स आएंगे, जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको एनसीईआरटी में गिवन एग्जांपल्स में, एग्जांपलर में, वो आपको जरूर प्रैक्टिस करनी, क्योंकि वही बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि आपका फिफ्थ चैप्टर, इसमें से भी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है। इसमें जो फॉर्मूलाज हैं आपके तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको प्रैक्टिस करके चलना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, और इसी में मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनको आपको याद कर लेना है, रट लेना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तभी फायदा है, रट के तो भूल जाओगे बहुत जल्दी, इसलिए प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा मैथ्स में, ठीक है। हम भी आगे प्रैक्टिस कराएंगे। बाकी ट्राइंगल्स में आप देख सकते हो प्रूफ, यानी कि इस थ्योरम का प्रूफ भी आने वाला है। बाकी जो मोटिवेट लिखा है इसका क्या मतलब है, आपको बस थ्योरम याद होनी चाहिए और उन्हें क्वेश्चन पे अप्लाई करना आना चाहिए बेसिकली। तो ये सारी थ्योरम्स आप देख सकते हो, अच्छे से समझ लेना, रीड कर लेना, एनालाइज करना सिलेबस को। सर्कल्स में आप देख सकते हो प्रूफ वाले, यहाँ पे दो बेसिकली दो ही थ्योरम है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर वाला एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट जो कि इक्वल होती है सेम एक्सटर्नल पॉइंट से। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का देख लेते हैं। हाँ, तो देखो जिस थ्योरम के आगे प्रूफ लिखा तो उसका प्रूफ आपको याद करना है एंड जिसमें नहीं लिखा वो सिंपल आपको थ्योरम करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में देखो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने हैं, प्रूफ एंड जो रेशियोज हैं स्पेसिफिक एंगल के 0 to 90 degree है ना, इसमें 35, 45, 60 वो स्पेसिफिक टेबल जो आपकी बुक में गिवन है वो याद करनी है एंड आइडेंटिटीज तो आएंगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी है इसमें, इसका ट्रिक का भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिक का वीडियो बना रखा है, काफी फ्रेंड्स को मुश्किल लगता है तो वो देख लेना, काफी वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पर। हाई डिस्टेंस वाले चैप्टर में दो ही आपके मेन टॉपिक हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, उसी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सर्कल के सर्कमफेरेंस एरिया से फॉर्मूला है, सेक्टर निकाल का एरिया निकालना वो सारी फॉर्मूला है वो याद करने। सर्फिस एरिया वॉल्यूम में 6 figure है, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर और सिलेंडर और कोन, इनकी आपको टोटल सर्फिस एरिया, लैटरल सर्फिस एरिया एंड वॉल्यूम, इन तीनों चीजों के फॉर्मूले याद करने, 6 figure हो गए सिंपल, बस इस चैप्टर में यही है। देन स्टैटिस्टिक्स में आपके 3 formula है, मीन, मीडियन, मोड निकालने के ग्रुप डेटा के, एंड प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन एंड किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए। डाइस और कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये आपको करनी है, ठीक है।
देन यहाँ पर गिवन है कि आपको किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस दी है, रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग को 54% इंपॉर्टेंस दी है, 43 मार्क्स का जो है आपका आएगा. तो वेटेज यहाँ पर गिवन है. आप लाए करना फॉर्मुला उसको, उसको 24% दी है. एनालाइजिंग इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग इसको 22%. तो ये ब्रेकडाउन भी यहाँ पर गिवन है. इंटरनल असेसमेंट देख लो 20 नंबरों की होती है, वो भी यहाँ पे बता रखा है. 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है, जानते हम सभी. ओके, अब आगे देख लो यहाँ पे, ये बेसिक के लिए गिवन है. देखा दो टाइप के मैथ होते हैं, स्टैंडर्ड मैथ, बेसिक मैथ. अभी से बता देते हैं. स्टैंडर्ड मैथ्स आपको तब लेना है अगर आप आगे 11th में मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो, या ये मैथ्स सब्जेक्ट लेना चाहते हो, मैथ्स से रिलेटेड पढ़ना चाहते हो तो स्टैंडर्ड मैथ्स लेना. एंड अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि आगे 11th में आपको मैथ्स पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल मैथ्स श्योर हो आपके, हाँ कि आगे आपको कभी भी मैथ्स नहीं पढ़ना, देन आप बेसिक मैथ्स ले सकते हो. बेसिक थोड़ा ईजी होता है. लेकिन मैं आपको पहले वॉर्न कर दूँ, अगर आपने अभी 10th में बेसिक मैथ्स ले ली ना, तो आप 11th में कभी भी मैथ्स नहीं ले पाओगे. ठीक है, मैथ्स सब्जेक्ट आप ले ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते, वो आपको लेने नहीं देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं. इसलिए मैं बोल रही हूँ स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेना, सेफ साइड रहोगे. आगे कभी चेंज हो जाता है आपका प्लान तो आप मैथ्स पढ़ पाओगे, है ना. एंड कोई इतना डिफरेंस नहीं होता है खास, तो स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेना. लेकिन इफ यू वांट टू यू कैन आल्सो टेक बेसिक्स. अब देख लेते हैं, ये साइंस का हो गया. तो साइंस में भी देखो ये यूनिट्स है आपकी, केमिकल सब्सटेंस, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमेना, ये उनका ब्रेकडाउन यहाँ पे मार्क्स का गिवन है. ठीक है, पहला चैप्टर देख लो, केमिकल रिएक्शन. इसमें ये सारे जो टॉपिक्स लिखे हुए ये आपको पढ़ने एंड बाकी के नहीं पढ़ने. सिंपल है, हम बाकी अभी सारे तो रीड नहीं करेंगे बिकॉज काफी टाइम लग जाएगा. आप अपनी बुक खोल के बैठना, ये पीडीएफ देख लो एंड साथ ही साथ मैच करते रहना. ठीक है, ये सारे चैप्टर हैं, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन एंड इट कंपाउंड. ठीक है, केमिस्ट्री में आपके चार चैप्टर हैं, फिर आपकी बायोलॉजी आ जाती है. मान लो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, ब्रैकेट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इथेनॉल इथेनोइक एसिड में सिर्फ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस आने वाले हैं, तो इसमें जो बड़े बड़े रिएक्शन थे, तो बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान देने की जरूरत है जो आपको नहीं करनी है बेसिकली. अब बाकी आप आगे आ जाओगे, हेरिडिटी में क्या लिखा हुआ है, टॉपिक्स आपके एक्सक्लूडेड है, एवोल्यूशन वाला पार्ट, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से एवोल्यूशन आपका पूरा कट है हमेशा की तरह. पिछले साल भी कट था, एनसीईआरटी बुक में आपको एवोल्यूशन दिखेगा भी नहीं, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत आपको वैसे भी नहीं है. जो आप एनसीईआरटी अगर लेटेस्ट जो करिकुलम के हिसाब से लोगे अपने बुक शॉप से, तो ऑलरेडी वह कंफर्म कर लेना कि लेटेस्ट एडिशन ही है ना एनसीईआरटी का, तब जाके उसे परचेज करना ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो. इसमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सब चीजें यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी सीबीएसई ने हमारे लिए कर दी है. अब जैसे कि कलर ऑफ द सन एट सनराइज सनसेट, ये जो टॉपिक था ये ऑलरेडी यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया इस चैप्टर में से, ह्यूमन आई वाले में से. इफेक्ट ऑफ करंट, ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से रीड करना. आवर इन्वायरमेंट आपका लास्ट चैप्टर, छोटा सा, बहुत ज्यादा इसकी वेटेज भी मतलब नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ईजी है. ये टीचर्स का नोट है, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. ये प्रैक्टिकल्स के लिए टॉपिक है, ये स्कूल स्पेसिफिक होगा, तो ये भी आप अच्छे से एक बार रीड कर लेना. चलो आगे बढ़ जाए, 20 मार्क्स के आगे प्रैक्टिकल होते हैं. जैसे कि आप जानते हो साइंस की क्या क्या टेक्स्ट बुक जो सीबीएसई आपको रिकमेंड करता है, जो एक तो बेसिक आपके एनसीईआरटी सबसे मेन, उसके बाद एग्जाम्पलर आ जाती है, बाकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए अलग अलग बुक है, ये आपको परचेज करनी जरूरत है. दो मेन बुक्स है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. उसके बाद जब टाइम बचता है तो आप पीवाईक्यूज भी कर सकते हो, अभी उस पर ध्यान नहीं देना. एनसीईआरटी इज योर फॉरमोस्ट, आपकी यहाँ पे प्रायोरिटी होनी चाहिए. देखो यहाँ पे सीबीएसई आपको बुक्स रिकमेंड करती है, एनसीईआरटी आपको लेनी है, फिर एनसीईआरटी के बाद आप एग्जाम्पल ले सकते हो, वो ऑप्शनल है. मैथ और साइंस, हाँ मैथ और साइंस के लिए. अब देख लेते हैं ये साइंस का यहाँ पे ब्रेकडाउन भी गिवन है. देखो डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, 46% वेटेज गिवन है. ठीक है, तो ये भी यहाँ पर आपको गिवन है. ये नोट है टीचर्स वगैरह के लिए, इंटरनल असेसमेंट के लिए देख लो यहाँ पे गिवन है. एंड और दूसरे डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, तो ये सारे जो है डिटेल में आपको बताया गया कि इन सारी चीजों में क्या क्या आपको करना है. ठीक है, जब नॉलेज अंडरस्टैंडिंग की बात हुई तो इससे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, स्टेट, नेम, लिस्ट, आइडेंटिफाई, तो सारा आपको यहाँ पे बताया गया, कोई डरने वाली बात नहीं है. अब हम देख लेते हैं सोशल साइंस एसएसटी का आपका देख लेते हैं. एसएसटी में आपके कौन से चैप्टर्स जो है वो कटे हैं एंड कौन से हैं. तो हिस्ट्री में देखो आपका सबसे पहला राइज ऑफ नेशनलिज्म वाला चैप्टर, फिर नेशनलिज्म इन इंडिया, ये दोनों आपके पूरे आएंगे चैप्टर. ठीक है, आपकी देखो चारों चीजें, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, ये 20-20 नंबरों की होंगी. ठीक है, तो 18 मार्क की थ्योरी, 2 मार्क की मैप, तो ये आपका हिस्ट्री में होगा. पहला दो चैप्टर फुल है आपका. तीसरे चैप्टर में देखो टू बी इवैल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जाम 1 to 1.3, मतलब कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे इस वाले चैप्टर में से 1 से 1.3 तक जो टॉपिक है, मतलब बाकी सारे टॉपिक्स आपको नहीं करने. यहाँ पे नाम बताया हुआ है प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो 1 है, 2 लेके कॉन्क्वेस्ट डिजीज स्टेट जो आपका 1.3 है, वहां से उनके बीच का सारा आपको अच्छे से कर लेना है. बाकी 2 से लेके 4.4 तक जितने भी सब टॉपिक्स हैं जो आपको नाम भी दिए हुए हैं, वो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल स्किल्स में आपको इवैल्यूएट होने वाले हैं. ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ने, इंटरनली असेस वो होने वाले हैं, वो आपका नहीं ज्यादा को ध्यान देना. फोर्थ चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपका टू बी असेस्ड एज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक असेसमेंट ओनली, ये भी आपका एक टाइप से कट चैप्टर पूरा हो चुका है, बहुत अच्छी बात है. फिफ्थ चैप्टर आपका पूरा यहाँ पे आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आगे बढ़ जाओ, ज्योग्राफी में आपके आई गेस सारे चैप्टर आ रहे हैं.
ये लास्ट चैप्टर आपका मैप्स के लिए आएगा, सिर्फ 7 चैप्टर, बाकी आपके जो 6 चैप्टर हैं वो पूरे के पूरे आपके आ रहे हैं। हाँ तो देखो, 7th वाले चैप्टर में के सिर्फ आपको मैप्स याद करने हैं, थ्योरी नहीं करनी है, एंड बाकी 6 चैप्टर आपके पूरे हैं। अब देखो पॉलिटिकल साइंस में आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हैं, कुछ भी कट नहीं हुआ है। अब इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं, आपका पहला चैप्टर डेवलपमेंट, दूसरा तीसरा पूरा है, 4th चैप्टर जो आपका ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर है उसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, बाकी के आपको नहीं करने, ठीक है। हाँ बाकी वो इंटरनल डिसिप्लिन है उस पर ध्यान मत दो, सिर्फ यही 2 टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम के लिए करना है। एंड जो आपका 5वां चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स, वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए, मतलब वो कट ही चुका है, वो आपको नहीं पढ़ना। तो बेसिकली आपके यहाँ पे 4 ही चैप्टर हैं, 4th चैप्टर भी बिल्कुल छोटा सा ही है, 2 ही टॉपिक है उसमें, ठीक है। तो ये आपका SST का हो गया। अब मैप आइटम्स की भी यहाँ पे पूरी लिस्ट गिवन है, देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी से मैप आता है ना, तो मैप का जो है मैप 5 नंबर का आता है, तो वो पूरा 5 to 10 मार्क्स का आता है, आई एम नॉट श्योर। तो ये सारा जो आपको गिवन है कि कौन से मैप्स आपको प्रिपेयर करने हैं, कोई भी इनमें चेंजेस नहीं हुए, पिछले साल वाले बिल्कुल सिमिलर ही है, ठीक है। तो ये देखो कौन से चैप्टर से कौन से मैप्स आपको करने हैं, वो सब यहाँ पर गिवन है, ठीक है। ये PDF देख लेना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में देखो यहाँ पे वेटेज, देखो रीडिंग के लिए जिसमें 2 अनसीन पैसेज आएंगे वो 20 नंबर का है, राइटिंग स्किल एंड साथ ही साथ ग्रामर वो भी 20 नंबर का है, एंड आपकी पूरी लिटरेचर 40 नंबर की है, मतलब 80 मार्क्स के पेपर में से आपका 40 तो लिटरेचर ही है, फिर 40 में से 20 आपका रीडिंग हो गया, अनसीन पैसेज होते हैं जिसमें, एंड 20 नंबर राइटिंग और ग्रामर सबके लिए, ठीक है। तो रीडिंग में क्या आएंगे, 2 अनसीन पैसेज आएंगे 10-10 नंबरों के, 400 से 450 वर्ड्स में वो होंगे, एक फैक्चुअल पैसेज होगा एंड एक डिस्कर्सिव पैसेज होगा, ठीक है। एंड देन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में सबसे पहले ग्रामर आएगी, ग्रामर में कौन से टॉपिक है, डिटरमाइनर, टेंसेस, मोडल, सब्जेक्ट वर्ब, कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड सी, सारे वही है, पिछले साल वाले ही है, इनके सारों के वीडियोज भी है चैनल पर, तो देख लेना, सबने पढ़ा हुआ है, हाँ नोट सब कुछ है चैनल पर। एंड राइटिंग स्किल्स में आपका फॉर्मल लेटर है, ठीक है। देखो राइटिंग स्किल्स में 2 चीजें, फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ, इनफॉर्मल लेटर नहीं है आपका, सिर्फ फॉर्मल लेटर है 100 से 120 वर्ड्स में, एंड एनालिटिकल पैराग्राफ है वो भी इसी इन वर्ड बाउंड्री में, 5-5 नंबर हो गए, तो 10 नंबर होगा राइटिंग सेक्शन एंड 10 नंबर होगी ग्रामर, 20 मार्क्स आपके हो गए। अब सेक्शन सी लिटरेचर, इसमें आपके 40 मार्क्स की होती है, इसमें आपके सारे जो लिटरेचर के चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, प्रोज, पोएट्री, एवरीथिंग। बिल्कुल, आपके 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे 5-5 नंबर के, 10 मार्क्स वो गए, बचे आपके 30 नंबर, 30 नंबर में से आपके शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के, वो भी आपकी 2 बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें से आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जो 2 बुक्स है उसमें से कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं उनकी लिस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये प्रोज है, फर्स्ट फ्लाइट है जिसमें आपकी लिटरेचर यानी कि स्टोरी वाइज चैप्टर भी है एंड पोएम्स भी है, कौन कौन सी आएंगी वो आपको कर लेनी है यहाँ पे, आप देख सकते हो पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। और सेकेंड आपकी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें से आपके ये चैप्टर्स बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे इन द लिटरेचर सेक्शन। या आपका टीचर्स का नोट है, इसे आप कर सकते हो इग्नोर। आगे बढ़ जाओ, इंटरनल असेसमेंट जो आपकी 20 मार्क्स की आएगी वो आपको यहाँ पे देख लेना यहाँ से आपका, और फिर वही आपकी वेटेज वाला आ जाती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या क्या इसकी वेटेज है वो आप रीड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस जो है आपका क्लियर हो गया होगा, हमने आपके जो 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं और हिंदी का भी जो सिलेबस है वो भी आपको जो PDF के फॉर्म में है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर चेकआउट करना। अपनी NCERT बुक अगर आपने ऑलरेडी ले ली है तो उसे एक बार क्रॉस चेक करके अपने सिलेबस को कंफर्म कर लेना, डन कर लेना। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी अगर आपने बुक्स नहीं ली हैं तो जब आप खरीदने जाओगे तो बोलना शॉपकीपर को कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग दे वो आपके, जो अभी नया सिलेबस है 2024-25 सेशन के अकॉर्डिंग, इतने चेंजेस भी नहीं है, लेकिन वेरीफाई कर लेना ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। एंड अगर अभी आपने बुक्स ले ली या फिर आपके पास ओल्ड बुक्स हैं तो मार्क कर लो कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने हैं, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो पूरा एक दिन अभी इसी पे लगा दो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिकॉज सिलेबस में कन्फ्यूजन होते ना फिर दिमाग खराब होता है आगे। ओके, एंड देखो फ्रेंड्स, क्लास 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जो हमारे वीडियोस, नोट्स सब कुछ है, मैं 12th कर चुकी हूँ, रिजल्ट 12th में हुआ है, तो हम 10th क्लास का जानते हैं क्या होता है। एंड अभी देखो चेंज आया, आप 9th से 10th में आए हो, तो ऑब्वियसली CBSE आपके एग्जाम लेगी, बोर्ड एग्जाम आप दोगे इस साल, है ना, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्लास 10th, मैं आपको बता रही हूँ, 11th-12th में आके आपको पता चलेगा कि मुश्किल क्या होता है, अभी तो 10th तो बहुत ईजी है। एंड मैं आपको एक गारंटी से बोल सकती हूँ कि जो भी आप मार्क्स स्कोर करना चाहते हो यू कैन डू इट, लेकिन आपको उसके लिए कंसिस्टेंट रहना होगा, अभी से अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट करनी होगी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इट्स आई विल से कि क्लास 10th आपकी पूरे हाई स्कूल 9th, 10th, 11th, 12th में से सबसे ईजीएस्ट 10th है, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लो, कंसिस्टेंट रहो, सारे वीडियोज हैं चैनल पर एंड हम आपको एंड तक सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, अब देखो क्लास 11th के या क्लास 12th के लिए भी डराना भी सही नहीं है, अभी आप क्लास 10th पे अपना पूरा फोकस करो और बाकी
हमारे चैनल पे जितना भी कंटेंट है, नोट्स से लेके प्लेलिस्ट से लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चीज़ का जो लिंक है ना, वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रखते हैं, ताकि आपको कहीं भी घूमना ना पड़े इधर उधर, आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए। तो वो लिंक भी आपको यहाँ पे इसी वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को यहीं से हमारे चैनल से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपकमिंग वीडियोज़ के लिए शेयर कर देना चैनल को, एंड ये रहा आपका सिलेबस का वीडियो, इसको यहाँ पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।